दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा से राहुल ने कैसे बीजेपी के वोट बैंक पे लगाई सेंध। दिल्ली एमसीडी को लेकर आप और बीजेपी के बीच मची नूरा कुश्ती की। बात करेंगे जोशीमठ के अस्तित्व पर उठ रहे सवालों के। बिहार में जाति जनगणना पर तेजस्वी के बयान की। जानेंगे हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या है सीएम सुक्खू का प्लान। पंजाब में क्यों हुआ मान के कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी धरती पर लौट रहे 38 साल पुराने सैटेलाइट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किया बड़ा दावा। कहा कर्नाटक में 2-3 दिन में ही मंत्रिमंडल का विस्तार। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी का आरोपी शंकर मिश्रा बेंगलुरु से गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाईकोर्ट जजों के तबादले पर बोला सुप्रीम कोर्ट, बार जज या सर्विस जज का लेबल लेकर नहीं जाते ट्रांसफर जज। बीसीसीआई ने नई सिलेक्शन कमेटी का किया ऐलान। चेतन शर्मा फिर होंगे चेयरमैन। सलील अंकोला, शिव सुंदर दास, सुब्रतो बैनर्जी और श्रीधरन शरद बने सिलेक्टर। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज करनाल में है, कल कुरुक्षेत्र पहुंच जाएगी। अपनी इस यात्रा से राहुल गांधी ने देश की मौजूदा राजनीति में एक बड़ी लकीर खींच दी है। अब बीजेपी इस यात्रा से होने वाले नुकसान के आकलन में जुटी है। तो कैसे भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को पहुंचाया है नुकसान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने देश की राजनीति में बड़ी लकीर खींच दी है। उनकी यात्रा को मिल रहे जन समर्थन ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा रखी है। राहुल गांधी ने बीजेपी के 2024 के सभी समीकरणों को बिगाड़ दिया है। अब बीजेपी यात्रा से होने वाले नुकसान के आकलन में जुटी है। आज भारत जोड़ो यात्रा करनाल के कोहंड से शुरू हुई। यात्रा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी राहुल के साथ कदम ताल करते नजर आए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पानीपत में हुई रैली ऐतिहासिक रही है जो देश में परिवर्तन लाने का काम करेगी। आज भारत जोड़ो यात्रा करनाल में है, कल कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने का काम कर रही है। मीडिया से आज बात करते हुए जयराम रमेश ने ये भी साफ कर दिया कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए नहीं है। ये एक वैचारिक यात्रा है जिसका मुख्य चेहरा राहुल गांधी है, ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल मार्च जो वर्तमान में हरियाणा के करनाल से होकर गुजर रहा है चुनावी यात्रा नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा में 3 बड़े मुद्दों को उठाया है, आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक सत्तावाद। आपको बता दें कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी तक चलेगी। 8 और 9 जनवरी को राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद 11 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के जाल में अब बीजेपी पूरी तरह से फंस चुकी है। तो इधर दिल्ली की जनता भी आप और बीजेपी के बीच में फंस गई है। दिल्ली इस वक्त सियासी दंगल का मैदान बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, दोनों के बीच नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। बीजेपी और आप में एमसीडी को लेकर ठन गई है। आज आपने एलजी के घर का घेराव किया तो बीजेपी ने राजघाट पर धरना दिया, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में निगम चुनाव के दौरान आप और बीजेपी के पार्षदों में हुए टकराव ने तूल पकड़ लिया है। 6 जनवरी को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आप और बीजेपी के बीच हुई लड़ाई को कांग्रेस ने नूरा कुश्ती बताया है। कांग्रेस के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली में कचरे का पहाड़ साफ करने के वादा करके निगम चुनाव जीतने वाली पार्टी आप खुद कचरा निकली है। निगम के सदन में जो कुछ हुआ उसके लिए केजरीवाल और बीजेपी नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर इसे लेकर आप और बीजेपी के बीच घमासान मचा है। आपके नेताओं ने एलजी ऑफिस का घेराव किया तो बीजेपी नेताओं ने राजघाट पर बापू की समाधि के आगे धरना दिया। एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही आप विधायक आतिशी ने मांग की है कि एलजी लिखित में स्टेटमेंट दे कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालेंगे। तो दूसरी ओर एलजी ऑफिस से इसे लेकर जवाब भी आ चुका है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के तहत 10 लोगों को मनोनीत किया गया है। इस एक्ट में कहा गया है कि जिन लोगों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अनुभव या ज्ञान हो उन्हें एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं।
इसके लिए एलजी को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। नॉमिनेट सदस्य मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। साफ है कि आप नेता जो मांग कर रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। तो दूसरी ओर बीजेपी ने सदन में हुई घटना के लिए आपको जिम्मेदार बताया है और दावा किया है कि आप पार्षदों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने इसे लेकर एलजी से भी शिकायत की है। बीजेपी की शिकायत पर संकेत मिल रहे हैं कि हंगामा कर रहे आपके 2 दर्जन से ज्यादा पार्षदों को निगम की 2 से 3 बैठकों में शामिल होने से रोका जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपके पार्षद मेयर चुनाव की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बीजेपी ने आपकी मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। तो वहीं जोशीमठ में धस्ती जमीन और दरारों ने बीजेपी सरकार के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। अब तो जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तो कैसे हैं जोशीमठ के हालात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। अपने दौरे के दौरान सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सीएम धामी ने शुक्रवार को कहा था कि अधिकारियों को जोशीमठ के जोखिम वाले घरों में रहने वाले करीब 600 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। हम जोशीमठ की स्थिति से निपटने के लिए छोटी और लंबी अवधि की योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6 जनवरी तक यहां 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। इनमें 44 परिवारों को फिलहाल सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। खबरों के मुताबिक इसरो और ONGC की टीमें जोशीमठ का सर्वे करेंगी। जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जोशीमठ में दरारें तेजी से बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ और उसके आसपास सभी कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया गया है। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने आज इसकी जानकारी दी है। जोशीमठ में जमीन धंसने और दरारों की घटनाओं में बढ़ोतरी से इसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो वही सरकार के रवैये को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी भी देखी जा रही है। ये मामला फिलहाल बीजेपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। जोशीमठ में जो हालात हैं वो सरकार की बेरुखी का ही नतीजा है। ऐसे में अब इस इलाके में कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। अब बात बिहार जाती है जनगणना की। बिहार में आज से जनगणना का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार 2 चरणों में इसे पूरा करेगी। पहला चरण 21 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इस सर्वे में राज्य के सभी घरों की संख्या की गणना की जाएगी। बिहार में लंबे वक्त से जाति आधारित जनगणना को लेकर सियासत होती रही है। राज्य और केंद्र सरकार कई बार आमने सामने आ चुकी है और अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मांग नहीं मानी तब बिहार सरकार ने अपने खर्च पर इसे कराने का फैसला किया। काफी खींचतान के बाद आज से बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो गई है। करीब 500 करोड़ के खर्चे से इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। नीतीश कुमार का दावा है कि जाति आधारित जनगणना के नतीजों से विकास के काम को तेज गति से किया जा सकेगा। जाति आधारित जनगणना के पहले चरण में घरों की गिनती की जा रही है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति आधारित जनगणना के बाद सरकार के पास सही और वैज्ञानिक आंकड़ा मौजूद होगा जिससे योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना से वैज्ञानिक आंकड़े सामने आएंगे, विकास में कारगर साबित होंगे, उसी हिसाब से बिहार का बजट बनेगा। तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी गरीब विरोधी है। वो चाहती थी कि जाति आधारित जनगणना ना हो, इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने जातीय जनगणना को निशाने पर लेते हुए कहा कि इसमें ये कॉलम भी जोड़ना चाहिए कि बिहार से जो 4 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं उसमें कौन किस जाति से और किस जिले से है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना का पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक होगा। दूसरा चरण अप्रैल में होगा जिसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारियां ली जाएंगी। जातीय जनगणना को लेकर महागठबंधन काफी खुश है तो बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। सियासी पारा तो इस वक्त हिमाचल में भी गर्म है। हिमाचल में 1 महीने पहले चुनाव के नतीजे आए थे और नतीजों के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ली थी लेकिन मंत्रिमंडल का गठन लटका हुआ है। अब इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा चुनाव परिणाम के ठीक 1 महीने बाद हिमाचल में कैबिनेट का गठन हो जाएगा। नए मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं। राजभवन में मंत्रियों की शपथ की तैयारी भी शुरू हो गई है। मंत्रियों के नाम तय करने के लिए ही सीएम सुक्खू 2 दिन के दिल्ली दौरे पर थे। सुक्खू पहले ही यह ऐलान कर चुके थे कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद ही वो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। पहले शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच होना था लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सीएम सुक्खू को कोरोना हो गया जिस कारण से विधानसभा सत्र स्थगित करना पड़ा और फिर 4 से 6 जनवरी को
धर्मशाला में विधानसभा का सत्र बुलाया गया। शीतकालीन सत्र समाप्त होते सरकार भी धर्मशाला से शिमला लौट आई। 6 जनवरी की शाम को ही सीएम सुक्कू भी दिल्ली पहुंचे और पार्टी हाईकमान के साथ उनकी बैठक हुई, जिसमें मंत्रियों की सूची पर मोहर लग गई। मंत्रिमंडल में देरी के पीछे कांग्रेस नेताओं की मंत्री पद को लेकर हो रही दावेदारी को भी माना जा रहा है। 15 विधायक मंत्री बनने की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन 10 को ही मौका मिल सकता है और सीएम ने संकेत दे दिए कि 2 से 3 पद वो खाली रखेंगे, यानी 7 से 8 मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण रविवार को ही होना है। अगर रविवार को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम टल जाता है तो फिर मकर संक्रांति के बाद ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकेगी, क्योंकि 8 जनवरी को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अपने घर गोवा जा रहे हैं। उनका 15 जनवरी को वापस लौटने का कार्यक्रम है। ऐसे में राज्यपाल के गोवा जाने से पहले ही सीएम सुक्खू नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी में हैं। हिमाचल में जल्द ही नई कैबिनेट का गठन होने वाला है, तो इधर पंजाब में भी कैबिनेट विस्तार हो गया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार को 10 महीने भी नहीं हो पाए, लेकिन सरकार से दूसरे कैबिनेट मंत्री की भी छुट्टी हो गई। इसके साथ ही आज मान कैबिनेट का विस्तार भी हुआ। तो क्या है मामला जिसके कारण चली गई मंत्री की कुर्सी और किसे मिला मंत्री पद, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 10 महीने में ही भगवंत मान सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्री की कुर्सी चली गई और इस बार भी मामला भ्रष्टाचार कमीशन खोरी से जुड़ा हुआ है। कमीशन के आरोपों में घिरे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सिंगला मानसा को कमीशन मांगने के चलते बर्खास्त किया गया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिंगला मानसा बर्खास्त करने के बाद 4 जुलाई को भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था और सिंगला की जगह फौजा सिंह को मंत्री बनाया गया था, लेकिन फौजा सिंह भी अब कमीशन के खेल में फंस गए। फौजा सिंह की किस्मत अच्छी थी कि उनका सिर्फ मंत्री पद गया, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा, जबकि सिंगला को तो मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद जेल भेज दिया गया था। दरअसल सितंबर 2022 को 5 मिनट 3 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया था। इस ऑडियो क्लिप में 2 लोगों की आवाज़ है जो बात कर रहे हैं कि पैसे कैसे लेने हैं। विपक्ष का दावा है कि ये ऑडियो फौजा सिंह सरारी और उनके पीए के बीच हुई बातचीत का है, लेकिन सरारी इसे इनकार कर रहे थे। ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिस कारण से आप सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। विपक्ष के दबाव के चलते भगवंत मान ने सरारी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। कहा जा रहा है कि मान ने भी ये मान लिया था कि वायरल ऑडियो में आवाज उनके मंत्री की ही है। इसके बाद उन्होंने सरारी से इस्तीफा मांग लिया। सरारी से जब इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि निजी कारणों के चलते उन्होंने पद छोड़ा है, वो आपके वफादार कार्यकर्ता बने रहेंगे। इस बीच शाम को राजभवन में पटियाला ग्रामीण सीट से विधायक डॉक्टर बलवीर सिंह को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 10 महीने में ही मान सरकार का ये दूसरा कैबिनेट विस्तार है। और बुलेटिन के आखिर में बात 38 साल पुराने सैटेलाइट की वापसी की। नासा का 38 साल पुराना सैटेलाइट आसमान से जल्द ही गिरने वाला है। नासा के मुताबिक 2450 किलोग्राम का ये उपग्रह जैसे ही धरती के सतह पर प्रवेश करेगा वो जल जाएगा। हालांकि इसके कुछ पार्ट बचने की उम्मीद जताई गई है। उपग्रह के रविवार रात तक नीचे आने की उम्मीद है, जिसमें 17 घंटे लग सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अंतरिक्ष में नासा से लेकर इसरो तक कई बार इतिहास रच चुके हैं। सैटेलाइट भेजकर देश को तरक्की की राह पर ले जा चुके हैं, लेकिन ग्रह और गतिविधियों पर नजर रखने वाले सैटेलाइट कई बार हमारे लिए खतरा बन जाते हैं। निष्क्रिय होने के बाद कई उपग्रहों का मलबा धरती पर गिरता है, जिससे बड़े नुकसान का खतरा भी बना रहता है। अब एक बार फिर धरती पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का 38 साल पुराना रिटायर्ड सैटेलाइट कुछ घंटों बाद धरती पर गिर सकता है। हालांकि नासा ने कहा है कि उपग्रह का मलबा किसी पर भी गिरने की आशंका बहुत कम है। हालांकि पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने से पहले 2450 किलोग्राम वजन वाले इस उपग्रह का ज्यादातर हिस्सा जल जाएगा, लेकिन कुछ टुकड़ों के बचकर धरती पर भी गिरने की संभावना है। नासा का कहना है कि किसी के मलबे की चपेट में आने और घायल होने की आशंका लगभग 9400 में से एक है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार उपग्रह के रविवार रात नीचे आने की उम्मीद है। इसके मलबे को धरती तक का सफर तय करने में 17 घंटे लगेंगे। अब भले ही नासा मलबा गिरने की आशंका कम जता रहा हो, लेकिन कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने उपग्रह के मलबे के सोमवार तक अफ्रीका खाड़ी क्षेत्र और उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में गिरने का अनुमान जताया है। आपको बता दें कि अर्थ रेडिएशन बचत सैटेलाइट को 1984 में अंतरिक्ष यान चैलेंजर की मदद से लॉन्च किया गया था। हालांकि इसका अनुमानित जीवन काल सिर्फ 2 साल का था, लेकिन इसने 2005 में रिटायर होने तक ओजोन और अन्य वायुमंडलीय मापन करना जारी रखा। सैटेलाइट ने अध्ययन किया कि कैसे पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित और बाहर निकालती है। इस सैटेलाइट से देश को काफी फायदा हुआ था, लेकिन अब ये धरती के लिए परेशानी बन चुका है। देखना होगा कि इसके गिरने से कितना नुकसान होता है।
तो आज इस बुलेटिन में बस इतना।